नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। फिलहाल मार्केट में जो है वो काफी बेहतरीन डिस्प्ले वाले मोबाइल आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपको नॉच देखने को मिलती है, वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है, पंच नॉच देखने को मिलती है। बट दोस्तों यहाँ पे आपको अब देखने को मिलेगा डुअल डिस्प्ले का फोन। जी हाँ दोस्तों, वीवो अपना चाइना में फोन लॉन्च कर चुका है डुअल डिस्प्ले का, एंड ये फोन बहुत ही जल्दी मतलब की जनवरी के आखिर तक इंडिया में भी आएगा। दोस्तों ये सच में काफी बेहतरीन फोन होने वाला है जो की होगा डुअल डिस्प्ले के साथ, और भी इस फोन में आपको काफी बेहतरीन फीचर देखने को मिलेंगे, एंड इस फोन की प्राइस भी काफी कम होने वाली है। तो अगर आपको लेने जा रहे हो एक फ्लैगशिप सीरीज वाला फोन, तो इस फोन की तरफ एक बार जरूर देखिए, क्योंकि ये फोन काफी दमदार होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल, आप देख रहे हो वेक्टर टेक चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बात करें वीवो के नेक्स्ट 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये फोन चाइना में लॉन्च हो गया है, एंड जनवरी के आखिर में इंडिया में भी ये फोन लॉन्च होने वाला है। एंड इस फोन की जो हाईलाइट है वो है इस फोन के डुअल डिस्प्ले। तो चलिए बात करते हैं इस फोन के कितने बेहतरीन है डिस्प्ले। 6.39 इंच का जो है आपको एक बेहतरीन डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिलेगा, जो कि काफी बेहतरीन होगा। फ्रंट साइड की तरफ आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, एंड जो सेकेंडरी डिस्प्ले मतलब की जो बैक साइड की तरफ पे वो होने वाला है 5.5 इंच का, जो कि होगा फुल HD। ये हाँ दोस्तों, फुल HD डिस्प्ले होगा, ना कि HD प्लस होगा। तो काफी बेहतरीन डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। दोस्तों इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले के अंदर। तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन काफी बेहतरीन होने वाला है। अभी आप बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों ये फोन आएगा क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर के साथ में। जी हाँ दोस्तों, काफी बेहतरीन प्रोसेसर है, शायद 855 के साथ आता तो काफी बेहतरीन होगा, बट 845 भी काफी दमदार प्रोसेसर है। अभी यहाँ पे बात करते हैं इस फोन की कैमराज की, तो दोस्तों इस फोन में आपको बैक साइड की तरफ ट्रिपल लेंस देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 12+2+ TOF की लेंस आपको जो है वो इस फोन में देखने को मिलेगी, काफी बेहतरीन लेंस होगी, जिसका एपर्चर f1.7 f1.8 का होगा। मतलब कि इस फोन में लो लाइट पोर्ट्रेट मोड के काफी बेहतरीन फोटो जो है वो आप खींच सकते हैं। जो तीसरी लेंस है TOF की, जो की होगी 3D। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि इससे जो है आपकी 3D फेस अनलॉकिंग जो है वो ज्यादा सिक्योर होगी बाकी मोबाइल के कंपेरिजनली। तो यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन फीचर के साथ में आपको देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों ये जो बैक कैमरा है वही कैमरा आप यूज कर सकते हो एज अ सेल्फी कैमरा। तो काफी बेहतरीन फोन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस फोन का चौथा फीचर जो कि काफी बेहतरीन है, जो कि है लूना LED लाइट। जी हाँ दोस्तों, बैक साइड की तरफ कैमरा की तरफ आपको जो है वो एक रिंग देखने को मिलेगी, जिस रिंग में आपको देखने को मिलेगी LED लाइट। जब भी आपके फोन में कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो लाइट ब्लिंक करेगी, मतलब कि ये फोन दिखने में भी काफी दमदार होगा। इस लूना लाइट की वजह से आपका फोन एक परफेक्ट लुक में जाएगा, काफी बेहतरीन दिखेगा ये फोन। मुझे यहाँ पे ये फीचर काफी पसंद आया। अब बात करते हैं इस फोन के बैटरी की, तो इस फोन में आपको देखने को मिलेगी 3500 mAh की बैटरी। ये फोन जो है वो फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, फास्ट चार्जिंग का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग तो जो है वो ऑब्वियसली नहीं होगी। अब इस फोन में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा, USB टाइप सी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर तो आपको पता ही है कि डिस्प्ले अंदर होगा। तो ये काफी दमदार फोन होने वाला है। एंड दोस्तों ये फोन जब चाइना में लॉन्च हुआ था तो वो था 10 GB के साथ। जी हां दोस्तों, 10 GB जिसकी रैम थी, बट कह रहे कि शायद से ये फोन इंडिया में जब लॉन्च होगा शायद से इसकी 8 GB रैम होती। देखते हैं अब कौन से GB के साथ ये फोन जो है वो लॉन्च होता है। अब आते हैं इस फोन की मेन हाईलाइट की तरफ, जो कि होने वाली है इस फोन की प्राइस। जी हां दोस्तों, ये फोन जब चाइना में लॉन्च हुआ था तो उसकी प्राइस लगभग 50,000 के आसपास थी, एंड कह रहे कि ये फोन अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो उसकी प्राइस थोड़ी सी कम होगी। दोस्तों 45,000 के आसपास जो है वो इस फोन की प्राइस होगी। सो दोस्तों आप मुझे बताइए आपको जो है वीवो का नेक्स्ट 2 कैसा लगा, प्लीज बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। एंड इस फोन में का कौन सा फीचर आपको ज्यादा पसंद आया वो भी बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। सो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो YouTube चैनल है वेक्टर टेक को प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।